गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखोगे सिलोमेट एनिमल्स के बारे में। सिलोम के बेसिस पे भी हम एनिमल्स को डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा जो चल रहा है एनिमल क्लासिफिकेशन चल रहा है, और एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए हम एनिमल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, और उन डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए जो बेस हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो में आप देखोगे सिलोमेट एनिमल्स के बारे में। हमारा ये जो है नेक्स्ट बेस है सिलोम। सिलोम, अब बात आती है सिलोम है क्या। सिलोम एक बॉडी कैविटी है, एक खाली जगह है सिलोम, जो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में पाई जाती है। जैसे अगर हम बात करें, ये कोई एनिमल है, ये कोई एनिमल की बॉडी है और ये माउथ है और ये है एनस। और यहां से ये एक एलिमेंट्री कैनाल पाई जा रही है, एलिमेंट्री कैनाल पाई जा रही है। ये बॉडी वॉल, बॉडी की लेयर, ये गट वॉल, जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो फूड गट है, वो ये वाली नली है, इनके बीच में जो खाली ये जगह पाई जाती है उसको हम क्या कहेंगे, सिलोम। एक कैविटी, कैविटी का मतलब एम्प्टी स्पेस। स्पेस जो पाया जा रहा है बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में, ये बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो एम्प्टी स्पेस पाया जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे, सिलोम या बॉडी कैविटी। तो ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर सिलोम पाई जाती है तो उसे हम सिलोमेट एनिमल्स कहते हैं, जिनके अंदर सिलोम नहीं पाई जाती उसे हम एसिलोमेट एनिमल्स कहते हैं। जिनके अंदर सिलोम पाई जाती है लेकिन कहीं कहीं पाई जाती है, कहीं कहीं, जैसे यहां ये बॉडी वॉल बिल्कुल चिपकी हुई है, ऐसे स्ट्रक्चर पाया जाएगा, यहां पाया नहीं जा रहा, यहां पाया जा रहा, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्यूडो सिलोमेट, यानी पार्शियली सिलोम इज प्रेजेंट, पार्शियली फॉर्म में पाई जाती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्यूडो सिलोमेट। जैसे हमारे एस्केल्मिंथस एक एग्जांपल है। अब ये सिलोम एम्ब्रियोनिक जो हमारी लेयर के फॉर्म में, जो मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में बताया एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, उनके बेसिस पे देखें तो ये हमारी एक्टोडर्म है, ये हमारी एंडोडर्म है, और ये वाली जो है मीजोडर्म है। मीजोडर्म ये लेयर ऐसे ऐसे बना लीजिए आप, ये मीजोडर्म है। मीजोडर्म के बीच में जो स्पेस पाया जा रहा है मीजोडर्म के बीच में, ये जो खाली स्पेस पाया जा रहा है मीजोडर्म के बीच में, इस खाली जगह को हम क्या कहेंगे, सिलोम। तो सिलोम जो है मीजोडर्मली डिराइव्ड होती है, यानी मीजोडर्म वाली लेयर से ही डेवलप होती है सिलोम। तो ये हमारा सिलोमेट है। ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर सिलोम पाई जा रही है तो सिलोमेट। दूसरी वाली जो है
ये सीडो सीलोमेट एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं। यहां सीलोम प्रेजेंट है, यहां प्रेजेंट है, यहां प्रेजेंट है। बाहर वाली लेयर ये एक्टोडर्म की होगी, अंदर वाली लेयर ये एंडोडर्म की होगी। बाहर वाली एक्टोडर्म की, अंदर वाली एंडोडर्म की, ये वाली जो है मीजोडर्म की होगी। और इनके बीच में ये जो खाली जगह पाई जा रही है, ये खाली जगह पाई जा रही, कहीं पाई जा रही कहीं नहीं पाई जा रही, तो इस तरह के हम फॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे, सीडो सीलोमेट। तो ये हमने जाना सीलोम के बारे में। एक बॉडी कैविटी जो गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में पाई जाती है, उस बॉडी कैविटी को हम सीलोम कहते हैं। सीलोम मीजोडर्मली ड्राइव्ड होती है, मीजोडर्म से डेवलप होती है। तो अब जो रामायण आपने अब तक देखी है, उस रामायण के बारे में हम लिख लेते हैं। ए बॉडी कैविटी विच एराइज फ्रॉम मेजोडर्म एंड दिस इज प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या कहेंगे, सीलोम। सीलोम जो है मीजोडर्म से डेवलप होती है, मीजोडर्म से अराइज होती है। तो इसके बारे में हम सीलोम के बारे में जाना। और ए सीलोम या ए सीलो, ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, सीलोमेट एनिमल्स। दोज एनिमल्स विच हैव सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट। अब आया था ए सीलोमेट। दोज एनिमल्स विच हैव नॉट सीलोम ऐसे एनिमल्स जिनमें सीलोम नहीं पाई जाती, उसको हम क्या कहेंगे, एसीलोमेट एनिमल्स। जिनमें पाई जा रही उनको हम सीलोमेट एनिमल्स कहते हैं। अब स्यूडो सीलोमेट एनिमल्स, स्यूडो सीलोमेट एनिमल्स का मतलब है कि सीलोम पाई जा रही लेकिन पार्शियली, पार्शियली सीलोम पाई जा रही, कहीं सीलोम पाई जाती है कहीं नहीं पाई जाती। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, स्यूडो सीलोमेट एनिमल्स। पार्सली सीलोमेट प्रेजेंट। और इसको आप एग्जांपल देख सकते हैं, एस्केल मिंथेस एनिमल्स।
एस्केल्मिन्थिस, ये क्या है, ये ग्रुप है एनिमल्स का, ये फाइलम है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये हमने देखा सीलोमेट, सीडोसीलोमेट और एसीलोमेट एनिमल्स के बारे में। ये किन किन में पाई जाती है, आप नेक्स्ट जो हमारे ग्रुप्स आ रहे हैं, फाइलम आ रहे हैं, उनमें हम देख सकते हैं। और एनसीईआरटी में पेज नंबर 49 पे एक टेबल दे रखी है, यू कैन सी इट टू दिस द टेबल। उसमें उस टेबल को आप अपनी जो फेयर कॉपी है उसमें लिख लें, वो जो टेबल जो पाई जा रही है उसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे एनिमल्स को डिवाइड किया है ग्रुप में, और हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम पर डिवाइड किया गया है, सीलोम के बेसिस पर डिवाइड किया गया है, सिमेट्री के बेसिस पर भी डिवाइड किया गया है। तो एक टेबल बन रही है छोटी सी, लगभग आधे पेज में, पेज नंबर 49 इन 11th क्लास ऑफ एनसीईआरटी, तो आप उसमें देख सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट जो आ रहा है बेसिस, जिसके बेस पे हम एनिमल्स को डिवाइड कर रहे हैं, वो है हमारा सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या है, सेगमेंटेशन जब किसी ऑर्गेनिज्म्स की बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड होती है, जैसे आपने केंचुआ देखा होगा अर्थवॉर्म, उसकी बॉडी में सेगमेंट पाए जाते हैं, छोटे छोटे पीसेस के फॉर्म पाए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेगमेंटेशन। व्हेन ऑर्गेनिज्म्स बॉडी डिवाइड इनटू सेगमेंट्स एज वेल एज इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इंटरनल आपने एक वो देखा होगा जोंक, लीच है, कातर, नेरिस, इनकी बॉडी में छोटे छोटे सेगमेंट पाए जाते हैं। तो जिस ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में छोटे छोटे सेगमेंट पाए जाते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे भाई, सेगमेंटेशन के फॉर्म में भी हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं। जिनकी बॉडी में सेगमेंट पाए जाते हैं उनको अलग ग्रुप में रखेंगे, जिनकी बॉडी में सेगमेंट्स नहीं पाए जाते उनको हम अलग ग्रुप में रखेंगे। तो सेगमेंटेशन के फॉर्म में भी ये भी हमारा एक बेस है, जिससे कि हम एनिमल्स को डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग ग्रुप्स में। तो व्हेन ऑर्गेनिज्म्स बॉडी डिवाइड इनटू सेगमेंट्स एज वेल एज इंटरनली और एक्सटर्नली, तो सेगमेंट के तौर पर जब किसी ऑर्गेनिज्म्स की बॉडी डिवाइड होती है तो इसको हम क्या कहेंगे, सेगमेंटेशन। और इसको हम, इस फिनोमिनन को मेटामेरिज्म भी कहते हैं। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। अगर वर्ड मेटामेरिज्म आपके दिमाग में कहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो उसकी बॉडी में सेगमेंट पाए जा रहे हैं, छोटे छोटे सेगमेंट जरूर पाए जा रहे हैं। मेटामेरिज्म का मतलब है कि सेगमेंटेशन के फॉर्म में बॉडी में सेगमेंट्स पाए जा रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में सेगमेंट्स पाए जाते हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स को, उन एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, सेगमेंट एनिमल्स। और इस फिनोमेनन को हम क्या कहेंगे, मेटामेरिज्म। एग्जाम्पल अर्थवॉर्म इसमें देख सकते हैं, लीच देख सकते हैं, जोंक जो होती है, अर्थवॉर्म, लीच, नेरिस भी है, कातर जो होती है उसमें भी सेगमेंट्स पाए जाते हैं। तो देयर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सेगमेंटेशन। अब जो है लास्ट जो टॉपिक आता है बेसिस का, वो है नोटोकॉर्ड। एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है नोटोकॉर्ड,
जब ऑर्गेनिजम्स के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पीछे की तरफ पीठ की तरफ एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर डेवलप होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? नोटोकॉर्ड। यानी कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? नोटोकॉर्ड्स। और ऐसे एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड्स पाई जाती है उन्हें हम कॉर्डेट्स कहते हैं, और जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती उसे हम क्या कहेंगे? नॉन कॉर्डेट्स। तो नोटोकॉर्ड देखते हैं, हमारा पहला जो है नोटो कॉर्ड, इट इज रॉड लाइक स्ट्रक्चर इट इज रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच डेवलप एट डॉर्सल साइड, यानी कि पीछे की तरफ डेवलप होती है इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलप होता है पीछे की तरफ पीठ की तरफ, तो इसको हम क्या कहेंगे? नोटोकॉर्ड। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? नोटोकॉर्ड। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड। जैसे हम हैं, ये नोटोकॉर्ड और डेवलप हो जाती है तो हमारा क्या बनाती है? पीछे वर्टिब्रल कॉलम बनाती है, जिसे हम बैकबोन या रीढ़ की हड्डी कहते हैं। ऐसे एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है उसे हम कॉर्डेट्स कहते हैं। दोज एनिमल्स विच हैव नोटोकॉर्ड, जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, जैसे फिश है, बर्ड हैं, रेप्टाइल्स हैं जो रेंग के चलते हैं, जैसे छिपकली वगैरह है, मैमल्स हैं, भैंस है, कुत्ता है, गाय है, टाइगर है, ह्यूमन बीइंग्स है, इनके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है, उनको हम क्या कहेंगे? कॉर्डेट्स एनिमल्स। और नॉन कॉर्डेट्स दोज एनिमल्स विच हैव नॉट नोटोकॉर्ड, जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती उन एनिमल्स को हम क्या कहेंगे? नॉन कॉर्डेट्स एनिमल्स। तो ये हमारे कुछ बेस थे जिसके बारे में अब तक हमने पढ़ा है। तो इनको ढंग से आप समझ लें, कॉर्डेट्स एनिमल्स क्या है, नॉन कॉर्डेट्स एनिमल्स क्या है, नोटोकॉर्ड क्या है, सीलोमेट एनिमल्स क्या है, मेटामेरिज्म क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक ये क्या है, सिमेट्री एसिमेट्री ये क्या है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ये क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब क्या है, इनके बारे में आप ढंग से एक बार मनन कर लें, क्योंकि जैसे ही हम आगे फाइलम में चलेंगे तो इनका ही इस्तेमाल करेंगे, किस में ये पाए जाते हैं किस में ये नहीं पाए जाते। तो ये जो है आपको नेक्स्ट बहुत फ़ायदा देंगे, बहुत ये आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे, तो ढंग से इसको समझ लें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट टू कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।